प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 व 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बारे में हिमाचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर सतीश कुमार चावला ने पूर्ण जानकारी दी और उपभोक्ताओं से सहयोग का आह्वान किया। हिमाचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर सतीश कुमार चावला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ब्लैक मनी सर्कुलेशन में आएगी। जिन्होंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत ब्लैक मनी सरेंडर नहीं की है, अब उन्हें मनी तेजी से निकालनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामीण बैंकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बुधवार को सभी बैंकों में सार्वजनिक लेन देन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वीरवार से बैंकों में सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार का ये बड़ा ही सराहनीय और साहसी कदम है कि आज से 500 और 1000 रुपये के जो नोट उन्होंने वापस लिए हैं, इससे ना केवल उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली जाली करेंसी पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि अधिक मात्रा में काला धन भी खत्म किया जाएगा। इसके बारे में हमने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज बैंकों में सार्वजनिक लेन देन नहीं हो पाएगा, लेकिन कल से बैंकों में सभी कार्य सुचारू रूप से चलें, इसका हम सभी ग्राहकों को आश्वासन देते हैं। और ख़ास तौर पे नकदी के बारे में उनको कोई भी असुविधा ना हो लेन देन के बारे में, इसका खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। साथ ही चावला ने बताया कि 9 व 10 तारीख दो दिनों तक एटीएम भी बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग का आह्वान भी किया है। इसके साथ ही सभी ग्राहकों से भी निवेदन है कि किसी भी कारण से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना पैसा अपने खातों में जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। इसके बारे में भारत सरकार ने अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं और हमारी सभी शाखाओं में वो दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। इस पुनीत कार्य में सभी ग्राहकों से और सभी हमारे हिमाचल प्रदेश के वासियों से सहयोग की अपेक्षा है। एटीएम 9 तारीख और 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष में एटीएम बंद रहेंगे और 11 तारीख से बिल्कुल चालू हो जाएंगे। सर, इसमें एटीएम जैसे कोई निकाल है, जैसे बोल रहे कि 2000 तक निकाल सकते एटीएम से, अगर कहीं 2000 निकालने से 500 का नोट आ गए तो उसका क्या उपाय? इसके बारे में दिशा निर्देश अलग से रिजर्व बैंक ने निकाले हैं। जो एटीएम में 500 और 1000 के नोट हैं, वो उसमें से मशीन में से निकाल लिए जाएंगे। बता दें कि अगर आप 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के ये नोट जमा नहीं करवा पाएंगे तो आपको एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। बैंक या डाकघर से भी 4000 रुपए तक की सीमा तक नोट बदले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल मंडी।